वो सेटअप आपको समझाता हूँ जो मैंने रिसेंटली स्ट्रेटजी शेयर किया है। यहाँ पर अपना देखो मॉर्निंग स्टार बना था बस, ठीक है। डाउन और जो रेंज वाला सेटअप आई थिंक मैंने आपको एक्सप्लेन किया होगा। तो अब दोस्तों तुम्हें दिखाता हूँ बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी सही ट्रेड कर रहे होंगे। मतलब अभी तो आपका वीकेंड चल रहा है तो आपका वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज है फ्राइडे, फ्राइडे के दिन थोड़ा सा ट्रेडिंग मैं किस तरीके से अभी स्टार्ट किया हूँ। मैं थोड़ा सा बैड में सोया था, मतलब मैं लेटे लेटे ही ट्रेड कर रहा था, मैं उसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो अभी मैं कुछ ट्रेड किया हूँ मैंने, और मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा ट्रेड और उसके लॉजिक और क्यों वो ट्रेड को मैंने एसएल लेके काटा है, कैसे मैं ट्रैप हुआ, वो सारी चीज़ें समझाता हूँ। तो तब तक आप थोड़ा सा अपने यहाँ लगे पड़े बादल, और बादल की वजह से कोहरे की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है, हल्की सी धूप भी है, तो मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। बट अभी कोहरा साफ होता है तो फिर दिखाऊंगा यहाँ से व्यू। तो अभी अपन चलते हैं अपने सेटअप पे, जो सेटअप मैं रखा हूँ, मतलब मेरा टैब जो बहुत, मतलब एक तरीके से बहुत इजी टू यूज़ और क्या कहेंगे उसको, इजीली एक्सेसिबल कह सकते हैं उसको। आप उसमें पेन है तो आप कहीं पर चार्ट पैटर्न मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं पेन से ही ड्रॉ कर लेता हूँ सब। तो बहुत सही है, मतलब अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और इधर उधर ट्रैवल करते हो तो, और साथ ही साथ आपको ट्रेड भी करना है, चार्ट भी ऑब्जर्व करना है, लैपटॉप कैरी करने से अच्छा आप टैब कैरी कर सकते हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलो चलते हैं चार्ट पर। तो अभी अपना ब्रेकफास्ट आया है, मैं अभी ब्रेकफास्ट किया नहीं, जस्ट थोड़ा नहा धोया था, फिर करते हैं ब्रेकफास्ट। तो अभी पहले मैं एक बार आपको अपने अभी तक के मैं जो ट्रेड किया हूँ वो मैं दिखा देता हूँ। तो अभी अपना ट्रेड पे चल रहा हूँ, नेट 30,000 के अप्रॉक्स के लॉस पे चल रहा हूँ मैं। मेरे दो एसएल हिट हुए थे मॉर्निंग पे, फर्स्ट अपना था ये फिर निफ्टी के अंदर, ये इससे पहले था, सबसे पहले ट्रेड लिया गया निफ्टी के अंदर 19,250 की पुट ऑप्शन पर। तो ये ट्रेड यहाँ पर आपको एक बार समझा दो इस ट्रेड का मेन रीज़न लेने का। तो पुट ऑप्शन मार्केट सीधा गैप डाउन दे, गैप डाउन के बाद एक मूवमेंट दे रहा था मार्केट, तो उसको मैंने ट्राई किया कैप्चर करने का, बट क्या है कि रिजेक्शन मिल गया, सीधे से कैंडल घूम गई, और घूम गई तो मेरे को वहाँ पे अपना लॉस बुक करके निकलना पड़ा, वो भी 19,250 की पुट ऑप्शन पे। मुझे एक इस पर लॉस ज़्यादा था, लेकिन मैं थोड़ा सा एक स्कैल्प मारा फिर उसको मैं कम कर दिया था जब मार्केट वापस से नीचे आया। इस वाले ये जो मैं आपको यहाँ पर सर्कल बना के रखा है मैंने, ये जो इस सेटअप पर वापस से जब प्राइस थोड़ा सा नीचे आ रहा था तो मैंने स्कैल्पिंग कुछ यहाँ पर की, जिसकी वजह से मैं सेम ट्रेड में थोड़ा सा लॉस को कम कर दिया, क्योंकि मेरा मॉर्निंग पे लॉस 50 के टच कर चुका था मॉर्निंग पे ही, तो उसको कम किया गया। फिर उसके बाद जो अभी हमारे पास दूसरा एसएल मेरा कहाँ पर हिट हुआ वो दिखाता हूँ। ये देखो निफ्टी फॉल कर रहा था, निफ्टी ने रिजेक्शन दिया, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी दोनों नीचे सपोर्ट लेके एक रिजेक्शन कैंडल बनाया। अगर आपको दिख रहा होगा ये रिजेक्शन कैंडल दिख रहा था, तो मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट किया, इधर मैं एंट्री प्लान किया था जहाँ मैंने लाइन ड्रॉ किया हुआ, यहाँ पे एंट्री प्लान किया। मेरे यहाँ तक का टारगेट था कि अगर ये शार्प मूव देके चला जाए, बट यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी थी तो एक्सपेक्टेड था ये डाउन मूव दे देगा, तो यहाँ से डाउन मूव आना स्टार्ट हो गया एक कैंडल। फिर मैं वापस से यहाँ पे वेट किया कि ये नाइन ये नीचे ट्रैप करके आप मूव दे, तो ऐसा यूजुअली होता है, बट नहीं ये वापस नीचे आ गया, तो मुझे अभी इस ट्रेड में भी मुझे निकलना पड़ा, तो इसमें भी मेरा एसएल गया था। तो फिर निफ्टी 19,500 एक कॉल ऑप्शन मैंने उठाई थी, तो 29,000 रुपये का इसमें लॉस गया था। फिर अपना वही रेंज वाला सेटअप बना था, अभी वो सेटअप आपको समझाता हूँ जो मैंने रिसेंटली एक स्ट्रेटजी शेयर किया है। तो उसमें एक सेटअप है कि 9 EMA के राउंड पर रेंज बनता है, फिर उसके बाद बिग बार उसको आप कैसे डायरेक्शनल लेके जा सकते हो। तो इसने भी अपने को सीधा 1:1, 1:2 स्ट्रेट टारगेट दे रखा है, देखो 1:1 यहाँ तक का एंड 1:2 ये कह सकते हो। तो इस पर्टिकुलर सेटअप में भी हमें यहाँ पर टारगेट मिले, लो का एसएल होता है, और इसके बाद मार्केट में 1:1 या 1:2 आपको इजीली देता है। अभी क्या अभी मार्केट यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा ट्रैप करके नीचे डाउनफॉल कर चुका है, और बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी भी थोड़ा सा रेंज बना के ना एक रेंज में बैठे पड़े बहुत दिनों से, तो ज़्यादा वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, ज़्यादा स्पीड नहीं है, प्रीमियम ज़्यादा भाग नहीं रहे, तो आप मूव दे रहा है प्रीमियम स्लो एंड स्टडी मूव कर रहा है, लेकिन जैसे ही फॉल आ जाता है, जैसे डाउनफॉल आ रहा है, वैसे ही प्रीमियम बहुत तेज़ी से गिर जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक दो दिन से मार्केट में प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए क्वांटिटीज़ को या ट्रेड को होल्ड करने में प्रॉब्लम है अगर आप ऑप्शन बाय दो। तो अभी 12:12 बजे हैं, फर्स्ट हाफ हो चुका है, 30,000 का लॉस है, और मुझे ऐसा लग रहा है फ्राइडे तो मेरे को यहीं पे ही इसको क्लोज करना चाहिए, बट मैं एक और ट्रेड मेरा भी बचा लेना, तो एक ट्रेड मैं लूँगा तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि कुछ कवर अप होता है या ये लॉस 50,000 तक जाता है। सो लेट्स सी, फिर अगर तीसरा ट्रेड अगर चौथा ट्रेड नहीं चला तो हाँ उसके बाद सीधा किल स्विच दबाया जाएगा या आज के ट्रेड को क्लोज किया जाएगा। बाकी अभी तक का मार्केट ऐसी है, थोड़ा सा रेंज में बैठा है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ बैंक निफ्टी पे चलते हैं, तो आपको बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी भी हमारा थोड़ा सा आ जाए, जल्दी आ जाए। देखो बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे, ये निफ्टी है,
निफ्टी डाउनफॉल कर रहा है। बैंक निफ्टी सुबह ही जैसे गैप डाउन खुलते हैं, यहाँ पे एक बाइंग आ गई थी, बाइंग आते हुए ही मैं लिया था, लेकिन फिर निफ्टी में ट्रेड लिया था जिसका मैंने आपको एसएल कैसे ही आपको बताया। लेकिन बैंक निफ्टी देखो ये क्लियर एक रेंज बना के बैठा हुआ है, तो यहाँ पर रिस्क है ट्रेड लेके जाने में, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक ये डाउनफॉल दिया फिर ये थोड़ा सा मूव दे दिया, लेकिन बैंक निफ्टी एक सडन स्पाइक दिया है एंड उसके बाद क्या है पूरा का पूरा बैंक निफ्टी जो है एक रेंज में फंसा पड़ा, तो रेंज में फंसा है तो वही चीज़ होता है, दोनों इंडेक्स जो मेन इंडेक्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये पुट साइड में इसमें पुट के प्रीमियम भाग रहे हैं, ये थोड़ा सा एक वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है, ये रेंज में फंसा है, जब तक ये मूवमेंट नहीं करेगा तो ये क्लियर डायरेक्शन में जाएगा नहीं, और जब तक ये क्लियर डायरेक्शन नहीं देगा नहीं आपको तो ये भी मूवमेंट करेगा नहीं, तो दोनों इंडेक्स क्या है अपोजिट चल रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है, ये इसके अपोजिट ये इसके अपोजिट, तो यहाँ पर ट्रेड करना अपने आप में एक रिस्की सेगमेंट होता है कि अगर आप दोनों इंडेक्स को क्लियर डायरेक्शन दे नहीं रहे हो फिर भी आप ऑप्शन बाइंग करो स्कैल्पिंग करो चलेगा, लेकिन पोजीशन यहाँ पर होल्ड नहीं कर सकते, आप होल्ड करोगे तो या ऐसे ट्रैप में कौन सा प्रीमियम आप कैप्चर कर पाओगे, तो इतना लंबे टाइम तक अगर कोई ट्रेड यहाँ इस कैंडल को देख के भी जितने लोग उठाए होंगे सबके सब यहाँ पर अभी ऑलमोस्ट फंस चुके हैं, खत्म हो चुका है उनका प्रीमियम, और अभी हो सकता है यहाँ से नीचे डाउनफॉल भी वापस से देता है तो हमारा निफ्टी भी वापस नीचे आएगा, तो अभी देखता हूँ मैं निफ्टी में मेरे को पुट साइड में एक सेटअप वापस से दिख रहा है ये बिग बार, उसके बाद सेटअप दिख रहा है, सो लेट्स सी हो सकता है यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया तो नीचे आके सपोर्ट लेके ऐसा भी चला जाए, बट दोनों इंडेक्स अलग अलग चले तो अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं है, और वैसे भी आज फ्राइडे है और फ्राइडे में थोड़ा सा नई पोजिशन बनती हैं, ट्रैप्स होते हैं, प्रीमियम खाए जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी अभी तक के लिए तो इतना काफ़ी है, एसएल छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़े एसएल को मत लिया करो, छोटे लॉस को छोटे में काटो, वही सही है, लेकिन अगर आपको जब टारगेट मिलने हैं तो कल के ट्रेड देखे होंगे, परसों भी मैं आई थिंक छोटा एसएल लिया था, उससे पहले दिन पे देखे होंगे तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको दिख रहा होगा ऑलमोस्ट 1:3 के अप्रॉक्स रहता है, मतलब अगर मैं 30-40-50,000 का लॉस दे रहा हूँ तो 1.5-2 लाख के अप्रॉक्स के प्रॉफिट भी उठाऊंगा, तो वो रिस्क रिवॉर्ड ही मैटर करता है कि यार आप ट्रेडिंग में क्या लेके जाने वाले, लॉस लेके जाओगे या प्रॉफिट लेके जाओगे, अगर आप यहाँ पर लूज करने के लिए आ रहे हो मार्केट में और आपने 50 के लूज़ कर दिया है ना, और जब प्रॉफिट बना रहे हो तो आपके 20-30 के प्रॉफिट बन रहे हो, लेकिन फिर वापस से जिस दिन लूज हो रहा है तो उस दिन 50 के, तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड कभी मैच नहीं करेगा, ये ऐसे डेज आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते, तो लॉस डे जिस दिन मूवमेंट नहीं दे रहा है स्पीड नहीं है उस दिन आप ट्राई करो जितना छोटा लॉस को काट सको और जितना अपना कैपिटल को बचा सको। तो दोस्तों अपना जो ऑलमोस्ट लॉस है वो हो चुका है कवर अप, और कैसे किया, क्या सेटअप बना और क्यों मैंने एंट्री किया वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि वो चीज़ अगर आपको समझ में आए वो चीज़ देखोगे तो आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रेड में आपका डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और आप स्केल पर हो तो मैंने एक रूल बताया कि 4 ट्रेड अ डे, उससे ज़्यादा ऊपर मत जाओ, 4 ट्रेड अगर आपके हैं हो गए या 4 ट्रेड आप 4 ट्रेड ले चुके हो तो 5वें ट्रेड लेने के लिए तभी जाओ जब आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो, अगर ऑलरेडी लॉस में हो तो 5वें ट्रेड कभी पंचअप मत करो एज ए स्केल। चलो अभी मैं आपको थोड़ा सा चार्ट पर समझाता हूँ कि किस तरीके से मैंने एक सेटअप देख के ट्रेड प्लान किया, और मैं आपको इस पर दिखाते हैं, तो देखो मॉर्निंग स्टार मैं यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा हूँ क्योंकि अपना आईपैड है इसमें बहुत अच्छा इसका इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे अपना देखो मॉर्निंग स्टार बना था फर्स्ट, ठीक है, डाउन और जो रेंज वाला सेटअप आई थिंक मैंने आपको एक्सप्लेन किया होगा, जो रिसेंट मैं स्ट्रेटजी शेयर किया हूँ उसका परफेक्ट सेटअप बना था, यहाँ पे एंट्री 1:1, 1:2 तक भी टच करके गया है, और उसके बाद ये डाउन मूव दिया हल्का सा, यहाँ पर रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद यहाँ पर सपोर्ट था तो यहाँ पर कोई डाउन मूव के लिए कोई मेरा प्लानिंग था नहीं, बट यहाँ पर देखो अभी यहाँ पर सिंपल सा एक मॉर्निंग स्टार है, एक डाउन ट्रेंड हल्का सा, एक बहुत अच्छा एक कैंडलस्टिक पैटर्न, और ये सपोर्ट अभी एक तरीके से बिग बार, एंड देन इसने क्या किया, इसके जो तीन ही कैंडल, इतना जो बड़ा मूव यहाँ से लेकर यहाँ तक आया था इसको 3 कैंडल के अंदर इसने पूरा कवर अप कर लिया, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल था, 19,300 का लेवल के ऊपर चला गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लेना तो बनता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ऊपर जाने की, तो यहाँ पर रिस्क लेके मैं यहाँ पर ट्रेड पर एंट्री किया हूँ 19,350 की, और थोड़ा सा 50 पॉइंट OTM का स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि ये थोड़ा सा फास्ट मूव देता है, अगर यहाँ से प्राइस मूव करेगा तो 50 पॉइंट OTM का जो प्राइस है 19,350 का वो बहुत तेज़ी से मूव करता है अगर आप एक स्कैल्पर हो तो फास्ट मूव को पकड़ने के लिए मैंने 19,350 के स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड किया, तो ये हमारा सीधा टारगेट था क्योंकि यहाँ पर ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग है, क्लोजिंग के आसपास का टारगेट था, तो 50.300 से 350 पॉइंट तक ही एक्सपेक्टेड था कि जाए फिर इसके बाद, क्योंकि रिट्रेस दे सकता है, तो रिट्रेसमेंट में एज ए स्कैल्पर कभी फंसना नहीं चाहिए, तो हम आ चुके ऑलमोस्ट 57,000 के प्रॉफिट में नेट टू नेट, 2:28 अभी हो रहा है, इस पर्टिकुलर ट्रेड में 73,000 बना था,
और छोटा मोटा करके इनको एक दो स्कैल्प करके एक स्कैल्प करके इसको थोड़ा कवर अप किया मैं। बाकी ये देखो इसका प्रीमियम में अगर जंप देखोगे तो प्रीमियम में काफ़ी अच्छा जंप आया है। और इस जो बड़ी कैंडल आई थी इसके बाद देखो थोड़ा सा OTM का जो प्राइस है, जो OTM का स्ट्राइक प्राइस है वो किस तरीके से मूव किया है, 19,350 सिर्फ इस कैंडल के बाद, 65 से सीधा 85 का जंप लगाया है इस कैंडल ने। तो यही चीज़ पकड़नी होती है अगर आप एक स्कैल्पर हो तो। मॉर्निंग में 40,000 के अप्रॉक्स का लॉस से अभी 57,000 के प्रॉफिट में हम आ चुके हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा जो आज का ट्रेड में जो हो चुका है 1,00,000 रुपये का हमने प्रॉफिट बना लिया है। तो आप इसको मत काउंट ही करो, इसको आप देखो कि यार आप लॉस में कितने थे और वहाँ से अभी कितने प्रॉफिट में आ चुके हो, तो आपने कितना ऑलमोस्ट प्रॉफिट जनरेट कर दिया उस लॉस के बाद से। तो हो चुका है अपना डिप्लॉयड कैपिटल का 10%, और वैसे अगर कवर अप करें तो 20% का। आज फ्राइडे, आज भी निकल चुका है तो अब ज़्यादा नहीं, आप सीधे किल स्विच तो आप क्या ही ऑन करें, लेकिन यहाँ पे अपना ट्रेड हो चुका है ख़त्म। अभी भी मार्केट देखो रेंज में घूम रहा है, प्राइस यहाँ पर आप मूव तो दे रहा है 19,365 के ऊपर तो ज़्यादा है प्राइस ये अगर आप देख रहे होंगे। लेकिन अगर इसका हम प्रीमियम चेक करूँ, प्रीमियम को अगर देखते हो तो प्रीमियम वही 90 के आसपास ही घूम रहा है, 90 के अराउंड पे ही घूम रहा है प्रीमियम। प्रीमियम ज़्यादा, प्रीमियम के अंदर ज़्यादा हलचल नहीं है। तो इस ऐसे टाइम पर जब प्रीमियम स्टक हो जाए, रुक जाए, तो आपको निकल जाना चाहिए। बाकी आई थिंक अब मेरा जो फाइनल ट्रेड यहीं पे आज हो जाएगा क्लोज, क्योंकि आज फ्राइडे है और इतना बहुत है। तो अब दोस्तों तुम्हें दिखाता हूँ बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप, जो कि ये रहा। तो यहाँ से तुम्हें अब देखने को मिलेगा परफेक्ट बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप विद सिंगल स्क्रीन, और जिसको हम डबल स्प्लिट करते हैं, जिसमें हमारे दो चार्ट चलते हैं। और इस सेटअप का बैकग्राउंड अगर आप देखोगे तो ऐसा है कि इस तरीके का बैकग्राउंड मेरे सेटअप में दिखेगा, जहाँ पर सब कुछ नेचुरल लाइट्स, नेचुरल व्यू है ना, और नज़ारे नज़ारे। और इसके साथ साथ हमारा ये सेटअप, तो आज अभी मार्केट तो कब का क्लोज़ हो गया है, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अपन ने कहाँ आज किया क्लोज़। तो इस सेटअप के साथ आज जो हमारा फाइनल प्रॉफिट रहा है 57,000, जो हमारा मॉर्निंग में लॉस था। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं, और जो मैं बोला था फोर ट्रेड का रूल होना चाहिए अगर आप एक स्कैल्पर हो। तो ये अपना, इसके बाद देखो यहाँ पर मैं अपन टारगेट तक लिए थे, टारगेट के बाद फिर ये डाउनफॉल लिया, फिर उसका 3 PM के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया है ना। और इस ऐसे मूव में प्रीमियम कुछ ऐसे बड़े रहे नहीं थे, मेरे को ऐसा लगा नहीं कि जो ये इस मोमेंटम में जो स्पीड थी ना, वो ऑप्शन बाय को अच्छी होती है। इसमें आपको इन द मनी में खेलना होता है, अगर आप इन द मनी में काम करोगे तब यहाँ पर पैसा बना पाओगे। एट द मनी में करोगे 3 PM के बाद मार्केट क्लोजिंग के आसपास, तो थोड़ा सा प्रीमियम उतना ज़बरदस्त मूव करता नहीं है, ठीक है। तो यही था आज का मेरा फाइनल क्लोजिंग। तो ये वीक भी अपना सही गया है एक तरह से, मतलब अच्छा ही गया है एज़ यूजुअल अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन। ऐसी मार्केट कंडीशन में जहाँ पर कैपिटल ब्लो हो रहा है, जहाँ पर आपको ऐसे मार्केट में ट्रेड्स मिल नहीं रहे इस तरीके के, ये देखो ट्रैपिंग मार्केट में, और उसमें भी अगर आप अच्छा खासा डिसेंट सा प्रॉफिट निकाल रहे हो, तो इट मीन्स वहाँ पर आपका स्किल सेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि किस तरीके का आपका स्किल सेट है। तो दोस्तों यही था अपना आज का ट्रेड, आज का डे, और अपन ऐसे ही चल रहे हैं थोड़ा सा हिल स्टेशनों में घूमते हुए और नज़ारे लेते हुए, क्योंकि अपने को पहाड़ बहुत पसंद है और इधर घूमना भी बहुत पसंद है। और ये हील अप करने के लिए, जैसे आपको मेंटल पीस चाहिए, आप क्या बोलते हैं, अपने आप को हील अप करना चाह रहे हो, अपने आप को रिफ्रेश करना चाह रहे हो, तो हिल स्टेशन बेस्ट प्लेस है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी यही था मेरा आज का ट्रेड, और आज मैं जिस तरीके से किया मैनेज अपने ट्रेड्स को, आप सभी ने देखा होगा, और डिसिप्लिन रूल जो सेटअप है जिस तरीके से फॉलो करना होता है वो आप सीख रहे होंगे। बाकी आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही अपने चैनल पर बने रहो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।